चलिए शुरू करते हैं। सोलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पतंग बता व्लॉग्स। आप सब कैसे? मैं बहुत अच्छा नायब, आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है अभी रशीदा शाम के 7 बज चुके हैं। अभी तो हम बिल्कुल हो चुके हैं रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं रामलीला में, जो दशहरे में जो मेले लगते हैं वहाँ पे जा रहे हैं हम। काफी टाइम हो गया था गए नहीं, सीधा पिछले साल ही गए थे, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे मेले में। और बाकी देखो पीछे स्थान है, जितने भी शोपीस वगैरह ऊपर लग रहे थे, भगवान जी की फोटो वगैरह लग रही थी सबके साथ। अभी यहाँ पे उतर हमारे यहाँ बाहर पे हो रहा था पेंट का काम, पेंट वेंट करवाया था थोड़ा बहुत, हम ऊपर वालों ने करवाया था, कॉमन में सबका कॉमन पेंट हुआ, तो आपको भर चल के दिखा रहा हूँ। तो अभी सब मैं हो गया रेडी, बस सबकी सब गाड़ी में पहुँच चुके, मैं भाग के जा रहा हूँ गाड़ी में। तो चलते हैं फटाफट से रामलीला में, वही जा रहे जो क्रॉसर मॉल के सामने होती है, उस वाली रामलीला में। फ्रेंड देखो यहाँ पे हो गया था पेंट, सारी शोपीस निकाल दी है यहाँ सारे में, एक ही पर्पल कलर हुआ है, शायद पर्पल है वाइट है, समझ भी नहीं आ रहा, सारे में कॉमन पेंट हुआ है। पता नहीं आपको फर्क भी लग रहा नहीं लग रहा होगा, वीडियो में पर्पल लग रहा है मुझे तो। फ्रेंड्स अभी हम निकल तो चुके हैं पर यहाँ से, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम है, हम पूरा स्टेज बिहार से घूम के आए, हमारे यहाँ घर के बाहर जो पूरा मेन चौराहा है, जो पुल बन रहा है वहाँ पे इतना जाम था, यहाँ से पूरा घूम के आए, यहाँ पे भी पूरा जाम ही जाम है। यानी कपड़े की 7-4 ये क्रेटा है, अच्छा वाइट है यहाँ। फ्रेंड 10 मिनट तो अभी हमें यहीं पे ही हो गए, चल जल्दी चल ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या किस चीज़ का जाम है, ऐसा राइड जा तो यमुना स्पोर्ट्स आ जाता है, पता नहीं किस चीज़ का जाम है, पूरा जाम ही जाम है। एंड फाइनली अब जाके हम निकले 15 से 20 मिनट हम निकले, अब जा रहे हैं सीधा वहाँ पे रामलीला में, द लीला के आसपास, पहले द लीला के सामने लगती थी श्री बालाजी रामलीला का मंदिर, अच्छा अब चेंज हो गया, इधर भी सज रहा है कुछ नहीं लग रहा है, हाँ ये रही यहाँ पे, और ये आगे आगे है, वो भी लगती है, दो लगती होंगी फिर यहाँ पे, हाँ, पे यहाँ पे जो रास्ता बंद है गाड़ी के आगे पार्किंग कहीं नहीं कह रहे, रामलीला 7:30 बजे से शुरू होगी, यहाँ पे पुलिस वगैरह भी बैरिकेडिंग रखे, रास्ता बंद है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे अब श्री बालाजी रामलीला कमेटी किसी और की लोग पैदल। फ्रेंड फाइनली अभी हम पहुंच तो चुके हैं, यही ना यही तो है लेफ्ट में, VIP एंट्री का है फाइनली, अब जाके पहुंचे पूरा वहां से, VIP एंट्री थी, यहां से पूरा घूम के आए ये, हाँ यूनिटी वन मॉल के जस्ट बिल्कुल अब सामने ही है ये रही पूरी रामलीला, हम बताए रामलीला हुई नहीं रही क्योंकि इतना शोर हो गया, तो पहले टाइम पे भीड़ काफ़ी रहती थी ना, ये रहे अंदर चल के दिखा, कहाँ जाएगा रुक जाओ भी आंत, पहले हम कर रहे हैं रिंग वाला, यहाँ पे बहुत हमारा, चलो जो फेंको फेंको चाहिए कुछ तो लो, चलो फेंको, अरे फेंको एक और फेंको, आ गई फ्रूटी आ गई, चलो एक तो आई फ्रूटी आ गई, अब 100 रुपए के नोट पे, अरे चलो फ्रूटी। यहाँ पे तो काफी सारे झूले भी है, और यहाँ पे लगा है एक लिखा है लोटा जी खोटा जी, लोटन जी छोले वाले उच्ची बिहार को ही कहते हैं, अब फेमस है। अभी ज्यादा सॉस लगी नहीं यहाँ पे, ऐसे तो फिर ये जा रहे हैं हम कोलंबस जा रहे हैं, ये वाला या ये जाइंट व्हील भी है, ये भी अच्छा लग रहा है भैया, 2 टिकट टिकट होगी बड़ी 5 रुपए छोटा, इसमें जा रहे हैं हम, ये तो बहुत क्या इसमें मेन तो डर इतना डर लगता है ऐसा ऊपर जाता है, बस सही है बस बस तो बहुत डर लगता है,
पूरा उड़ जाते हैं। भैया जो है दो बारी करते हैं, पहले नीचे रहेंगे और क्या ऊपर से नीचे आ सकता है, शरीर खाली खाली सा हो। और अरे 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 पूरा ही ऊपर ले जाते हैं, देखना। ओ पीछे मॉल की हाइट देखना। मेरा तो पैर कांप रहा है बुरी तरीके से। जब हमने लिए कूड़े मल कुल्फी वालों की, यहाँ पे हमने लिए रोलर आइसक्रीम दो, हमें पड़ी है 150 रुपए की, काफी अच्छी थी। हमें अच्छी थी ना, मेलों में मिलती है। हाँ मेलों में मिलती है, अच्छी थी काफी अच्छी। फ्रेंड जब हम जा रहे हैं यूनिटी वन मॉल के अंदर खाना खाने के लिए, यहाँ रामलीला तो है, काफी मजा आया, खाया पिए झूले वूले झूले। अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं डिनर यूनिटी वन मॉल के अंदर, इसमें भी काफी कुछ है। यहाँ पे जाएंगे हल्दीराम में, अरे ये राधी राम। फ्रेंड जब हम आ चुके हैं हल्दीराम में खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, पापा गए हुए लेने के लिए छोले भटूरे और थाली को। फ्रेंड यहाँ पे आ गया खाना, भाई दो थाली थी ना, एक तो ये हो गई, एक और आ रही है। फ्रेंड फाइनली जब हमने खाना तो खा लिया है, खाना ना खा के अब बाहर भी जो स्टॉल से इसमें कुछ देख रहे हैं, बाकी मॉल भी हम घूमे हैं, जो ट्रेंड्स हैं यहाँ पे भी गए थे, पर खास कुछ मिला नहीं। तो अब आगे भी लग रहे हैं स्टॉल, वो आगे तक आगे चलते हो आगे काफ़ी आगे। फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है जाने का, सीधा घर। मॉल भी घुमाए, यहाँ भी घुमाए, काफ़ी मज़ा आया। तो बचपन में पहले जो ये ना, यहाँ से हम गदा त्रिशूल वो सब लेते थे, अब तो कहाँ हैं, तो बड़े हो गए, पहले बहुत लेते थे यहाँ से। कैसी लंबी लाइन लग रही है सब क्योंकि सबने लगा रखी नीचे आगे तक। सो फ्रेंड्स तो अभी हो चुका है नेक्स्ट टू द नेक्स्ट डे हो चुका है, आज डे है हम सब मंडे गए थे, आज डे हो चुका है वेडनेसडे। तो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 3:30 हो चुके हैं, तो बस हम इसे यहीं पे एंड करता हूँ। ये आपने वीडियो देखी जिसमें हम गए थे रात को मेले में, काफ़ी मजा आया, काफ़ी सारे झूले भी थे, पर मैंने तो खाली वो कॉलमस करा जाइंट व्हील का मन नहीं था। उसके बाद फिर हम थोड़े बहुत झूले अच्छे वैसे देखा भी, ज़्यादा वहाँ पे स्टॉल्स लग रहे थे क्योंकि जस्ट मेला शुरू ही हुआ था, 1-2 दिन हुए थे। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे कूड़ेमल कुल्फी वालों की फेमस रोलर वाली आइसक्रीम खाई। कूड़ेमल कुल्फी वालों की सारी आइसक्रीम बहुत फेमस है, हमें तो मेन मेलों में जाके वो जो रोलर वाली आइसक्रीम मिलती है वो सिर्फ मेलों में मिलती है, काफ़ी मजा आया, वो भी खाई, काफ़ी अच्छा टेस्ट। उसके बाद जस्ट बिल्कुल सामने यूनिटी वन मॉल, तो उसके अंदर हल्दीराम गए, अच्छे से डिनर विनर करा क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे, अनियन गार्लिक कुछ खा नहीं सकते थे इसलिए वहाँ पे था नहीं, वो अनियन गार्लिक का कुछ भी हल्दीराम में था नहीं, इसलिए हम हल्दीराम पे चले गए फिर खाना खाने। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। तो बस समझ के यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर आप सब जरूर प्रेस कर देना ताकि आप पे मेरी वीडियो के नए अपडेट आते रहेंगे। मिलेंगे सब नई वीडियो से, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बस थोड़े देर में फिर अष्टमी है, फिर नवमी है, फिर दशहरा भी है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दिवाली भी पास ही आने वाली है, साफ़ सफाई भी शुरू होने वाली है घरों में, और हमारे घर में भी अब मैं भी सब करवाएंगी मम्मी, तो मज़ा आएगा काफ़ी। दिवाली भी आ रही है, सब डेकोरेशन वगैरह और बहुत कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।